हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत मंगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन पुट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आई फ्रेम टेक के बारे में कि आई फ्रेम टेक क्या चीज होता है, और साथ ही साथ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या सारी चीजें होती है, इस चीज को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए जो आज का वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 महीने तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300+ कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज यार कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं और बाकी सारे डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर है वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स हैं कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, है ना, एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर हैं वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजोन, एडोबी, यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड यार कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो, लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज आप इनके वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती, आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पर क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और JavaScript पोर्ट कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS JavaScript का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ को कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट करें ना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो यार आज हम लोग आज के दिन 3 चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज है आई फ्रेम टेक, ठीक है। आई फ्रेम टेक क्या होता है, ठीक है। तो आई फ्रेम जब टैग का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग अपने वेब पेज में किसी एक अनदर पेज को इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब इनबेड करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो इसके लिए हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम टैग का यूज करने के लिए कुछ नहीं होता, सिंपल सा आई फ्रेम टैग को आपको यूज करना, लाइक हम लोग जैसे अब तक हेडिंग टैग है बाकी सारे टैग को यूज करते हैं, सिमिलर ये भी सेम है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंटैक्स दिख सकता है, आपका यहाँ पर आपको सिंटेक्स दिख रहा है, लाइक यहाँ पर मैंने क्या किया आई फ्रेम टैग को यहाँ पर लिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है इसका, ये होता है SRC। जब तक आप URL नहीं दोगे किसी अदर वेबसाइट का वो कैसे काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं देते हो, ये मिस्टेक कोई मिसिंग हो जाता है URL में, तो वहाँ पर सो ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर लेगा उतने दूर का, ठीक है। अदरवाइज आपको वहाँ पर URL सही देना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप उसके बाद बहुत सारे एट्रीब्यूट लगा सकते हो यहाँ पर, लाइक टाइटल, हाइट, वेट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्लोजिंग टैग यूज करना है आई फ्रेम का एंड यहाँ से क्लोज करना है, ठीक है। इतना करोगे आपका आई फ्रेम का जो टैग है वो काम करने लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, जैसे मैंने बताया कि हाइट एंड वेट होती है एंड बॉर्डर को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक बॉर्डर लगा सकते हैं फ्रेम के चारों ओर एंड साथ साथ टारगेटेड लिंक भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो पेज में जो हम लोग लिंक इंक्लूड किया है, लाइक वो जो वेब पेज को इंक्लूड किए वो किसी अनदर पेज पर जाके ओपन होगी या सेम टैब पे ओपन होगी, सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक कुछ नहीं होता, सिंपल सा लाइक अब तक हमने टैग यूज करते हैं वो हर एक उसका एक कैटेगरी होता है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इसी। तो लाइक ब्लॉक एलिमेंट वो चीज होती है, लाइक अगर आप कोई भी टैग यूज करते हो तो ब्लॉक एलिमेंट वाला टैग है ये यूज है कि नहीं कैसे पता चलेगा, लाइक अगर आप कोई भी एलिमेंट यूज करते हो वो अगर एलिमेंट पूरा वेट कवर करता है एक टाइम पे, लाइक मैंने कोई टैग यूज किया है ना वो पूरा वेट एक टाइम पे कवर कर रहा है, इट मीन्स कि लाइक ये मेरा वेब पेज है, ठीक है, मैं इसको लेट करता हूँ कि यहाँ मेरा वेब पेज है,
ठीक है, और मैंने लाइक कोई टैग यूज किया तो वो पूरा भी डेट टाइम पे कवर कर रहा है, ठीक है, भले उसमें कंटेंट थोड़ा सा ही होगा, लाइक कंटेंट इतना ही दूर होगा, लेकिन उसका जो मेरा वेट है पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो टैग होंगे उसको बोलेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन में क्या होगा कि अगर वहाँ हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स भी देंगे ना, बहुत सारे टैग्स भी क्रिएट करेंगे, तो वो एक के बाद एक ही लाइन पे आएंगे। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनलाइन एलिमेंट होती है, लाइक है ना, आपको समझ में आ गया कि एक के बाद अगर कोई एक चीज एक ही लाइन पे है ना, लाइक मैंने ये बात की ये एक ही लाइन पे है, यहाँ पर ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर कोई टैग यूज करोगे ऐसा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई यूज करते हो वो इस तरीके से गया है ना, एंड देन उसके बाद फिर आके फिर इस तरीके से जा रहा है, तो ये सारी चीजों को बोलेंगे, लाइक इस टाइप के एलिमेंट्स को बोलेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और इस टाइप को बोलेंगे इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको समझ में आ गया किस तरीके से, एक बार हम उसको कोट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, कुछ एग्जाम्पल्स थे यार, कुछ ऐसे मतलब जो हमारे टैग्स थे उसको आप यहाँ पर देख सकते हो, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो कि कौन से ब्लॉक लेवल होते हैं और कौन से इनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूँ यार, तो सबसे जो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा डिव का, क्योंकि डिव जो बहुत ज्यादा यूज होता है आपको दिख रहा है डिव का, एंड साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जाम्पल बात करूँ इनलाइन का तो स्पैन का, ठीक है। मैं दोनों को आपको यूज करके दिखा दूंगा, बहुत सारे टैग्स और भी होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, तो एक बार इसको कोड करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले आई फ्रेम का टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई फ्रेम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा आई फ्रेम टैग को कॉल करना है, यहाँ पर आई फ्रेम को, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एसआरसी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ यूआरएल दें, तो मैं यूआरएल में ले लेता हूँ यहाँ का न्यूटन स्कूल के वेबसाइट से, ऐसे इसी का ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ इसको। आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने आई फ्रेम लिखना चालू किया, यहाँ पर एक तो एलिम एक ब्लॉक जैसा बन गया, फ्रेम जैसा बन चुका है, तो मैं यहाँ देता हूँ यहाँ पर यूआरएल दिया, एंड मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाइट में रख लेता हूँ इसकी 600px है ना, एंड मैं अगर विड्थ की बात करूँ तो यहाँ पर मैं विड्थ रख लेता हूँ कितना 100%, ठीक है, पूरा विड्थ को कवर कर लेगा मेरा साथ साथ। और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको क्लोज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने आईफ्रेम का यूज़ किया, यहाँ पर आपको आउटपुट देखने मिल रहा होगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ठीक है, आपको इस तरीके से पूरा आउटपुट देखने मिल रहा है, ठीक ठीक है। ये पूरा जो मेरा वेब पेज है न्यूटन स्कूल का, ये जो है काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये वेब पेज है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें भी यहाँ एज इट इज चल रही है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें यूट्यूब के वीडियोज भी इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अगर यूट्यूब के वीडियो इंक्लूड करना है तो आपको यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें वहाँ जाना होगा, एंड वहाँ पर एक लिंक जो होती है वहाँ प्रोवाइड कर जाते हैं यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो मैं उसको दिखा देता हूँ करके, लाइक मैं इस वीडियो को ओपन किया, ठीक है। एंड यहाँ ऑप्शन आता है शेयर का, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, शेयर का ऑप्शन में एक लिंक दिया जाएगा एम्बेडिंग लिंक, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देखो ये आपको ये लिंक को नहीं करना, यहाँ पर जाके एम्बेडिंग लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पर जाके एंड देन इसको उठा के पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ मेरा कॉपी हो गया, एंड देन मैं इसको जाकर यहाँ पर से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक बार यहाँ के लिए हटा, ये चीज आपको समझ में आ गई, बस आपको नहीं जो आपको वेब पेज को इंक्लूड करना होगा आपको उसको यहाँ यूआरएल सेट करना है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ जाके इसको क्या कर लेता हूँ, पोस्ट कर लेता हूँ इसको जाके, ठीक है। तो मैंने उसको कमेंट कर चुका है और यहाँ पर एक नया क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब का जो है वो आने लगे यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर जो मेरा YouTube था सेम एज इट इज, यहाँ पर एज इट इज आने लग गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम YouTube को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने, है ना। आप चाहो तो इसके यहाँ पर हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया होगा हाइट विड्थ, लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइट विड्थ, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहोगे तो इसको प्ले भी कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे हम लोग किसी चीज को इंक्लूड करते हैं अपने वीडियो में, ठीक है, सॉरी अपने वेब पेज पे, ठीक है। तो YouTube का भी मैंने करके दिखा दिया, एंड अगर आप चाहो तो अदर वेबसाइट को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास बचिया कि ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक को समझने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं इसको भी हटा लेता हूँ, ठीक है। इनलाइन देखो, इन मैंने बताया कि ब्लॉक लेवल हो जाता है पूरा कंप्लीट स्पेस कवर कर लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिव ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास DIT, ठीक है। एंड देन मैं इसको क्लोज करके मैं बस लिखता हूँ आवर यू, ठीक है, आर यू, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डिव को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, डिव को क्लोज कर। एंड मैं साथ ही साथ इसको स्पैन ले लेता हूँ, ठीक है, स्पैन टैग ले लेता हूँ, इसका क्लास नेम देता हूँ SP करके दे देता हूँ। एंड देन मैं इसके बाद यहाँ भी सेम चीज लिखता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लोज किया, इसको मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया। एंड देन इसके अब मैं इसको जाके थोड़ा CSS करता हूँ, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अभी आपको बस सिंपल दिख रहा है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू आपको समझ नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिव है वो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का है और जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। कैसे, तो मैं सबसे पहले क्लास नेम के लिए क्या पढ़ते थे हम लोग, DI है ना, मतलब डॉट करके हम लोग यूज करते क्लास का नेम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ, लाइक मैं
स्टिच कवर ले लेता हूँ ठीक है, एंड देन मैं इसके बाद यहाँ क्या करता हूँ, इसका मैं बॉर्डर सेट कर लेता हूँ ठीक है, आप क्लियर हो जाएगा। 3px सॉलिड एंड देन इसके बाद ब्लैक ठीक है, और मैं साथ साथ इसका मार्जिन कवर कर लेता हूँ, मार्जिन 8px ठीक है, तो सेम कॉपी करके स्कैन के लिए डॉट एसपी ठीक है, एंड यहाँ पर देखो तो आपको अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर का आवर लिखा सेम देखो, इसमें इसमें बस इतना ही स्पेस कवर हुआ है, बट फिर भी ये ने पूरा स्पेस ले लिया है ठीक है। लेकिन अगर बात को स्पैन टैग के, तो ये इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए इसने क्या किया कि साइड बाय साइड इसको अपने आप को अरेंज कर लिया ठीक है। तो इसका हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग आने वाले वीडियोस में जब सीएसएस कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें हमको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि इनलाइन क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है ठीक है। अदरवाइज हम लोग बहुत सारी चीजें क्रिएट करने में हम लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी है ना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर लेना। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।